आज जो है दो दिसंबर और तकरीबन रात के जो है आठ बज रहे हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले तो मैं जो है ये हमारे भतीजे हैं फैज़ान खान शिकागो से आए हुए है और मुसलसिल तकरीबन चार पाँच घंटे से जो है मेरे साथ हमारे प्रजा दरबार में बैठे हुए हैं ये फैजान खान कौन भतीजे है ए, हमारे वालिद मरूम अमानुल्ला खान साहब के जो बड़े भाई थे इनायतुल्ला खान साहब रिटायर्ड इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस उनके पोतरे है ये यानी महबूब खान साहब हमारे जो तायरे भाई है छज्जी भाई उर्फ उनके बेटे है फैजान ख़ान साहब छुट्टियों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं तो आज जो है मेरे साथ में फैजान खान साहब भी हमारे प्रजा दरबार में बैठ के आवाम की खिदमत कर रहे हैं सुन रहे हैं पूरे जब से तो बहरहाल ये जो आप लोग देख रहे हैं कि फैमिली हमारे मोहम्मद रफ़ी ख़ान साहब हैं ये तो मुसलसिल महीने से रफ़ी ख़ान साहब और उनकी अहलिया उनकी वालदा उनकी बहन मेरे पास आ रहे थे आ, सबसे पहले रफ़ी ख़ान साहब जो है एक आ, सलाला कुत्ता पेट रोड पर रहते हैं वहाँ पर तो ये पहले बाहर रहते थे बाहर के बाद में जो है कुछ दिन के बाद में यहाँ पर आए आते ही लॉकडाउन हो गई लॉकडाउन होने के बाद में कुछ कारोबार के सिलसिले लगाए फिर उसमें धोखा हो गया था बेचारों को तकरीबन चार पाँच थे बहुत दिल दिलबर्दाश्ता थे ये एक दिन रात में दो बजे मेरे पास आए ये बोले कि कर लेता हूँ मैं मर जाता हूँ तो खैर अल्लाह ताला जो है मैं इनको हिम्मत दिलाया और इनकी अहलिया का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था इनको बैक पेन प्रॉब्लम अहलिया को बैक पेन प्रॉब्लम तो मैं उस वक्त इमीडिएट इनको कुछ पैसे दिया था उसके जो है आ, अपनी अहलिया के टेस्ट वगैरह कराए इनके भी कुछ टेस्ट कराए मुसल एक महीने से मेरे पास टच में हैं लोग आ, उसके बाद में जो है आ, हमारे रफ़ी ख़ान साहब के जो वालिद हैं अशरफ खान साहब और हमीदा बेगम हम दोनों का जो है आँखों का सर्जरी करवाया मैं पहले डॉक्टर मास के पास भिजा कर जो है आँखों की सर्जरी करवाया आँखों की सर्जरी कराने के बाद में अल्लाह के फजल से दोनों जने अब अच्छे है एक आँख का सर्जरी हो गई और एक दूसरी आँख की अब मन है पैसे नहीं थे कौन की सर्जरी नहीं करा सके फर्स्ट सर्जरी में जो है फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ उसके बाद में फिर इनकी एक बहन है खतीजा बेगम इनकी बहन जो है आलिमा है पहले कोई कोत के शेख से शादी करके दिए थे तीन दिन में उन्हें तलाक़ दे दिया उसके बाद में कोई दूसरी शादी करके दिए फिर उनके शोहर के भी कुछ हालात ठीक नहीं है उनको तीन बच्चे हैं दो बेटे एक बेटी है खतीजा बेगम जो है डिप्रेशन का शिकार हो गए थे बहुत ज़्यादा बीमार थे खतीजा बेगम तो जब भी आए थे उनके भी इलाज जो है डॉक्टर मिनाज इलाज करवा रहे हैं उसके बाद में इनका मसला था तो इनका वीडियो जो है बहुत रोए धोए वीडियो में बहुत तकलीफ़ का इजहार किया वीडियो में इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ इतना वायरल हुआ इतना वायरल हुआ कि डेली एक चार पाँच सौ कॉल इन इनको और मेरे को एक दो तीन सौ कॉल आ रहे थे अल्लाह के फजल से आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला इनकी ऐसी मदद किया साहिब खैर हजरत इनके अकाउंट में जो है तकरीबन बारह लाख रुपए आ गए जिससे जो है इनका खर्जा पूरा फिट गया तकरीबन पाँच लाख रुपये खर्जा था वो फिर लिए बच्चों की एक साल की फ़ीस बने और अब इनकी सर्जरी है इनको जो बैक एक प्रॉब्लम है मैं इनको जर्मन टैन हॉस्पिटल भिजा कर इनकी सर्जरी करवा रहा हूँ इनकी वाइफ़ की कुछ सर्जरी है बहन का इलाज है बहन के बच्चों का सर्व हमारे मोहम्मद रफ़ी ख़ान साहब के साथ एक और एक हादसा ये हुआ था कि इनके दो भाई एक भाई जो है इनके आलिम हैं मोहम्मद शरीफ ख़ान साहब जो है दो उनका दिमागी तोज़न जैसे दो हज़ार चौदह से उन्होंने लापता हो गए थे और एक ये हुआ कि इनके एक और एक भाई मोहम्मद नसीर ख़ान हाफिज़ क़ुरान भी है आलिम भी है उनका हाल ही में इंतकाल हो गया वेरी यंग एट द यंग एज उनका इंतकाल हो गया बहरहाल पूरे ख़ानदान के जो है इन एक ही ज़िम्मेदार आदमी थे बहुत टूट गए थे बार बार मुझे ये बोल रहे थे कि मैं खुदकशी कर लेता हूँ साहब मैं खुदकशी कर लेता हूँ मेरे से नहीं हो रहा एक तरफ़ देखे तो वालदेन को देखना दूसरी तरफ इनकी अहलिया का प्रॉब्लम बच्चे स्कूल को नहीं जा सक रहे थे तीसरी तरफ जो है बहन बहुत बीमार थे फिर चौथी तरफ जो है आ, इनके दो भाई एक भाई मिसिंग और एक भाई जो है इंतकाल हो गया तो ख़ैर अल्लाह ताला जो है एक रास्ता बनाया हमजदल खान और इस दारमान को अल्लाह ताला इस दारमान को क़ायम रखे और इस प्रजा दरबार को शर से बचाए हासिदों के हसद से बचाए आ, हमारे रफ़ी ख़ान साहब का मसला हल हो गया आ, जो भी साहिब खैर मजीद इनको पैसे मत डालिए और किसी दूसरों की मदद करिए इनका मसला पूरा मुकम्मिल हल हो गया तीन दिन से बेचारे मैं आता हूँ मैं आता हूँ फोना कर रहे थे मैं बहुत मसरूफ़ रहने की वजह से इनकी हमारी मुलाकात नहीं हुई आज अल्लाह तो मैं जनाब रफ़ी ख़ान साहब से इल्तिजा करूँगा कि वो उन तमाम साहिब खैर का शुक्रिया अदा करे और पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रिया अदा करे और जो भी है अब ये जो बारह लाख रुपए कैसा खर्चा करेंगे क्या कारोबार करेंगे कैसा करेंगे पूरा डिटेल बोलिए रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं मोहम्मद रफ़ी ख़ान जो है सो मेरे तो, घर के मसले मसाइल बहुत यानी बहुत बिगड़े बिगड़ चुके थे तो मैं यहाँ पे दारुल दारुल लमान जो मंजलिस मजलिस बचाओ तहरीक दारान जो प्रजा दरबार अमजुल्ल् खान साहब खालिद साहब के पास आया मैं मेरा मसला लेके अल्हम्दुलिल्लाह जब साहब मदद करे पहली बार उसके बाद कुछ मेरे मसले थोड़े हल हुए वालदन के वालिद वालदन के भी आँखें का सर्जरी हुआ दोनों एक एक आख का आँख का सर्जरी सर्जरी करवा चुके और बहन की भी तबीयत बहुत यानी डिप्रेशन का शिकार है उनका भी वीडियो बनाए उनको भी तीस हज़ार रुपया फिर अलहमदिल्ला इलाज चल रहा उनका उसके बाद मेरा वीडियो बनाए मेरा मसला तो आप सब हजरा साहिब खैर देख चुके हैं अलहमदिल्ल अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े आप लोग मेरी मदद कर चुके हैं अलहमदिल्ला मेरी पूरी मदद हो चुकी है मैं खरज से खर्जा जो मेरे था वो खरज से यानी बाईज भरी हुआ जी मैं एक दोस्त को यानी कारोबार के सिलसिले में दिया था पैसे पाँच पाँच साढ़े पाँच लाख रुपए, वो तो मेरे को यानी डुबा के भागा हुआ था बस उसी खर्चे से मैं बहुत यानी परेशान था तो मैं लेके जी, जी खर्जा लेके कारोबार का मेरा खुद का भी थोड़ा बाहर से आया था मैं 2015 में मेरा खुद का भी दो लाख रुपए था बाहर से फिर यहाँ से वहाँ से लिया था साढ़े तीन लाख रुपए टोटल साढ़े पाँच था अलहमद आज जो हमजदल खान साहब ख़ालिद भाई के पास जो आया आप साहिब खैर जो मेरी मदद करे अलहमदिल्ला पूरा खर्जा भी यानी पूरा यानी कर्जा ख़त्म हो चुका और मेरे हालात अलहमदिल्ल अल्लाह पहले जैसे बेहतर बना दिया और मेरे बच्चों को जो है जो साहिब खैर जो मेरे बच्चों का एक साल की फीस बन चुके हैं और मेरे बच्चों को करीब अलहमदिल्ला चार चार महीने का अनाज है मेरे घर में जितने भी जितने लाके भी लाके अनाज भी दिए साहेब खैर मेरे महल्ले में मैं जहाँ रहता हूँ बारकत सल से मेरे को अलहदिल्ला डेढ़ से दो लाख की मदद हुई मेरे घर पर डेढ़ से दो लाख रुपये ला दिए बाकी का मेरे अकाउंट में आया पूरा पैसा तो अलहमदिल्ला आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और जो जो साहिब खैर मेरी यानी मेरी परेशानी समझ के मेरे को जो मदद करे अल्लाह इस मदद को अल्लाह राज़ी हो जाए अल्लाह इस मदद को मैं यानी हमेशा यानी दुआ में याद रखूँगा अल्लाह इस मदद आखिरत में उनके यानी ज़रिया बने ये मदद जो जो मेरी मदद करे यानी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बाहर कंट्रियों से भी मेरे लिए यानी इतनी दुआ इतनी दुआ इतनी दुआ, इतनी दुआ जो जो मेरे को इस तरह से बात कर रहे थे मेरे को रफीक साहब बोल रहे थे आप हजरत रफीक़ साहब रफ़ीक़ साहब सिर्फ़ रफीक़ साहब आप हमसे बड़े हैं जी जो जो मेरे को जो साहेब खैर जी बैक प्रॉब्लम है, है।, है पूरा रीड की हड्डी में गैप है मेरे को और जो सो गुर्दों में कंकर की शिकायत है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो जाता है इन साहब दवाखाने को भिजाते और अलिया का वो मतलब छः महीने का ट्रीटमेंट है वो भी अलहमद उसमें हो जाता है जी जी आपकी बहन का इलाज चल रहा डॉक्टर मिनास डॉक्टर मिनास, मिनास साहब के पास साहब साहब ही अमजदुल्ल खान साहब भी भिजाए थे वहाँ पे पहले दूसरे दवाखाने में चलता था अभी पैसे आए उसके वो भी इलाज कंटिन्यू है अलहमद आप सब हज़रा जो साहिब खैर की दुआ से अलहमदिल्ला मेरी बहन भी अभी अलहमदिल्ला अभी चल रहा है इलाज अलहमदिल्ला छः हो इनशा एक आध महीने में करवाऊंगा इनशाला जी इनशाला ये एक महीने के अंदर कराऊंगा। आप सब साहिब खैर का इतना शुक्रिया अदा कर करता हूँ कि मैं बस भाई का जो इंतकाल और एक भाई जो लापता जी नहीं, नहीं बड़े भाई शादीशुदा थे 2008 तो जी जी नहीं जो लापता है, है उन्होंने शादीशुदा थे बड़े भाई अहलिया और बच्चे हैं जी नहीं मतलब उन्हों डिप्रेशन का उन्होंने भी शिकार है तो चले गए थे उनके अहलिया उनके माँ बाप में चले गए थे जी इस तरह से बहाल उन्होंने भी घर से लापता ही है और छोटे भाई तो हाफिज़ कुरान थे आलिम खारी थे अलहमद उन्होंने भी दो हज़ार एक दो तीन में दो हज़ार एक दो तीन में तो अलहमदिल्ला पाँच तक पाँच छः साल तरावी पड़ा है मोहम्मद पहलवान के मस्जिद में मस्जिद मस्जिद फ़ारूक़ में जी तो हाल ही में इंतकाल हो गया उन्होंने भी दिमागी तवज्जो से तेरह साल खिदमत करा मैं भाई भाई दोनों भाइयों की भी और बहन की भी अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की जो है सो जो आज मदद इन सब की दुआ मेरे बच्चों की सूरत से आप जो हजरात मेरी मदद करें बस अल्लाह आप सबकी मदद करें बस आमीन मेरा सुसाइड तो नहीं करेंगे अब आप नहीं नहीं बिल्कुल आज, मैं नहीं बिल्कुल आज यकीन बिल्कुल बेशक उतनी ही तकलीफ देता बंदे को जितना वो बर्दाश्त कर सकता जी, जी। और अल्लाह तकलीफ भी देता अल्लाह ताला जो है राहत भी निकालता जी, तो अब जो भी ऐसा आपके ऐसा परेशान लोग है जो जो है, आ, बोली जी जी है जी जी के लिए क्या है जी जो जो मेरे लिए अगर कुछ नहीं कर सके दुआ करें उन सब के लिए भी मैं अरे ने आप जो और जो परेशान है जो भरोसा भरोसा रखना चाहिए जो परेशान है अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए जो बेसहारा है बेबस है बीमारी में मुबतला है नमाज़ पढ़ना दुआ करना आप हजरात जो जो परेशान अल्लाह हर परेशानी को दूर करने वाला है अल्लाह ही देने वाला है अल्लाह ही ख़त्म करने वाला है सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखिए अल्लाह वक्त आना चाहिए वक्त अगर आया तो ख़त्म हो जाता सब मसला अल्लाह जो हमजदल खान साहब जो जो मकसद है वो इतना अजीम हो कि दुनिया छोटी पड़ जाए इस मकसद के सामने जी जो प्रजा जो प्रजा दरबार से जो मदद हो रही है हैदराबाद में जो बेसहारा बेबस बीमारों की जो हर एक की जो मदद हो रही है अल्लाह इस मदद को कबूल करे अल्लाह इस मदद को इसी तरह तामत ता तक क़ायम रखे जो आप साहिब खैर जो मदद करते हैं अल्लाह आप सबको भी इसका हज़र व मिले जी हमेशा यही दुआ रहेंगी यही दुआ करते रहूँगा असल रही वर्का हाँ बहरहाल मैं तला का शुक्र गुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे हगिर बंदे से हमारे मोहम्मद रफ़ी ख़ान साहब की पूरी कंप्लीट फैमिली पैकेज बोल सकते आपके इनके वालदा वालिद का ऑपरेशन हुआ फिर उसके बाद में इनकी बहन का पूरा इलाज हुआ फिर उसके बाद में इनका पूरा फाइनेंशली मसला हल हुआ मेडिकली आप कल जाइए दवा खाने को इन मैं डॉक्टर जवाद जवाज़ार खान साहब से बात करता हूँ आप उनका क्या है आपका सर्जरी और वहाँ पर भी लेके जाइए इंटीग्रो हॉस्पिटल लेके जाइए वहाँ पर लेडी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं आपकी वाइफ को भी बताइए बच्चों को और कोई अच्छे बड़े स्कूल में अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं बड़े से बड़े स्कूल में डालिए हैदराबाद है के आप कभी भी ऐसा से कमतरी का शिकार नहीं होना देर इज़ गॉड देर इज़ अल्लाह बस तो इसके साथ ही अभी बाहर बहुत पब्लिक है फिर जाना है हमारे फैजाना पढ़ना चाह रहा हूँ साहब आप हजरत के लिए और प्रजा दरबार के लिए ये नात आप सबके लिए नाते शरीफ <coughs> बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करम ताहू अता मांगता ताहू इलाही मैं तुझ से

अता कर तुषाने करीमी का सदका अता कर दशाने रहीमी का सदका न तुझसे ग तो मांगूंगा किसे तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझ से दुआ मांगता हूँ जो बुफलिस है उनको तू दौलत अता कर जो बीमार है उन को से हत अता कर जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर जो बीमार है उन को सेहत अता कर मरीजों की खातिर शिफा मांगता I mean, I mean. हूँ इलाही मैं तुझसे wow. दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ इलाही हमेशा तुम असरूर रखना बलाओ से हमको सदा दूर रखना हमें इलाही हमेशा तुम असरूर रखना बलाओ से हमको सदा दूर रखना परेशानिया हम को घेरे हुए हैं परेशानिया हम को घेरे हुए हैं परेशानियों से पना मांगता हूँ wow. करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ मेरी जो बहन की कुरी है मौला उसे ने एक अता कर दे मौला मेरी जो बहन की कुवारी है मौला उसे ने एक अता कर दे मौला मैं सदका जहरा सदा मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझ से दुआ मांगता हूँ जो नादार है कुछ नहीं जिनके पल्ल उन्हें भी दिखा दे हरम के तुजलवे wow. wow. जो नादार है कुछ नहीं जिनके पल्ले उन्हें भी दिखा दे हरम के तु जल में हु सब की दुआ मांगता हूँ इलाही मैं तुझ से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझ से दुआ मांगता हूँ वतन के भड़कते शरारे बुझा दे इसे फिर कव का गुलशन बना दे वतन के भड़कते शरारे बुझा दे इसे फिर वत का गुलशन बना दे मैं माँ की रिदा मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ इलाही इलाही तुझे वा सुता पंजतन का होशादा बुगुलचा दिलों के चमन का इलाही तुझे वा पंजतन का होशादा गुलचा दिलों के चमन का मैं सदका फिल हूँ इलाही मैं तुझ से

बहुत ही दीनी घराने से तल्ल है बेचारों का घर में हाफिज़ कुरान है आलिमा है और बेहतरीन नात पढ़े बहुत समा बांधिए बेचारे तो अल्लाह ताला इनकी इनको सेहत दे इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो इनकी अहलिया को दे पानी पीजिए तो इसके साथ ही मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह के दरबार में सजदा रोज़ होकर भी मैं इंशाल्लाह इस प्रजा दरबार की कामयाबी के लिए दुआ भी करता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ है कि इस प्रजा दरबार को हासिदों के हसद से बचाए और साजिशों के साजिश से बचाए और बहरहाल अल्लाह ताला जिसको रखे तो इसके साथ ही यार जिंदा सौबत बाकी